कहां कहां नहीं ढूंढा और तुम यहां हो, नाराज से लग रहे हो। मैं कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहा था, पढ़ी हुई जानकारी याद रखने की कोशिश कर रहा था पर नहीं रख पाया। और इस यंत्र को देखो, ये सब कैसे याद रखता है? ऐसी बात नहीं है मेरी, तुम्हें मेरी सालगिरह याद रहती है। और तो और, तुम बॉस्को को परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढते हो। वास्तव में मैंने देखे हुए चूहों में तुम तो सबसे चतुर हो। यह कहने के लिए धन्यवाद दी, पर वास्तव में उस कंप्यूटर के पास बड़ी जबरदस्त स्मरण शक्ति है जो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। फिर मेरी शायद मुझे तुम्हें कंप्यूटर के स्मरण शक्ति की सीमाएं बतानी होगी और उसके लिए वो कैसे काम करती है ये पहले बताना होगा। ठीक है। देखो मेरी, इस चमकदार डिस्क को प्लैटर कहते हैं। नहीं नहीं, इन्हें छुओ भी मत, ये सारे भाग बड़े नाजुक है। ये मैंने सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए खोला है, वरना इन्हें छूना भी नहीं चाहिए। माफ करो मेरी, मुझे पता नहीं था। देखो मेरी, इस चीज को हेड कहा जाता है और ये 0.00001 इंच की मोटी हवा के कुशन पर होता है। बस तुम्हें बताने के लिए। दर्द हुआ। ये तुम्हारा बाल है, ये उंगलीकन है, ये तुम्हारे उंगली के निशान का आकार है और ये तुम्हारे का कण है और ये है हेड और ब्लैडर के बीच का अंतर। मतलब एक छोटा सा धुएं का कण भी हार्ड डिस्क को नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल मेरी, और जब यही हेड अगर ब्लैडर या अन्य किसी कठिन कण के संपर्क में आता है तब उसे हेड क्रैश कहते हैं। ठीक है मेरी, मैं सावधान रहूंगा, पर ये चीज इतना सारा डेटा कैसे संग्रहित करती है? तुम्हें बाइनरी याद है? हाँ, कंप्यूटर को सारा डेटा 0 और 1 के रूप में समझता है। और 0 प्रतिनिधित्व करता है ऋणात्मक प्रभार का और 1 सकारात्मक प्रभार का, मतलब एक संख्या के लिए 8 प्रभार की जरूरत है। समझ गया। फिर ये सारा डेटा हार्ड डिस्क पर ट्रैक, सेक्टर और सिलेंडर में संग्रहित होता है और संगठित होता है। अब ये क्या है? ट्रैक मतलब पुराने एमपी रिकॉर्ड के जैसे गाढ़े चक्रों की रिंग होती है, पर उनमें कोई दिखाई देने वाली लिंक नहीं होती। फिर ऐसा हर एक ट्रैक वर्गों में विभाजित होता है जिन्हें सेक्टर कहते हैं। और जैसे कि यहाँ बहुत सारे फ्लैटरों का ढेर लगा होता है, सिलेंडर डेटा का वह ऊपर आधार वर्ग होता है जो एक ही ट्रैक पर होने वाले हर फ्लैटर का प्रतिनिधित्व करता है। और ये सारी चीजें बहुत ही तेजी से घूमती होगी, है ना? हाँ दीदी, वे 1 मिनट में 7200 बार घूमती है। और भी तेज गिरी, 1 मिनट में 15000 बार घूमने वाली भी डिस्क होती है। बाप रे, ये तो बड़ा ही तेज है। लेकिन हार्ड डिस्क अगर इतनी नाजुक होती है तो बड़े बड़े कंपनी और कार्यालयों में डेटा सुरक्षित कैसे रखती है? वे RAID रेड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब डेटा के लिए वे लश्कर की तरह डिस्क पर छापा मारते हैं? नहीं मेरी, रेड मतलब रिडंडेंट अरेज ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। इसमें ऐसी बहुत सारी हार्ड डिस्क एक यंत्र में एक साथ बटोरी जाती है। अच्छा, शायद संपूर्ण भंडारण क्षमता बढ़ाकर हम एक साथ उन तक पहुंच सकते हैं। हाँ, पर इतना ही नहीं, वे जिस क्रम में रखी जाती है उसके अनुसार कोई 1 से 50% तक का डेटा भी ध्वस्त हो जाए तो भी वह सारा डेटा सुरक्षित रख सकती है। बहुत बढ़िया, पर जब कंप्यूटर हार्ड ड्राइव कैसे काम करता है ये मुझे पता है तो मैं और भी दुखी हूँ, क्योंकि वे सिर्फ डेटा संग्रहित ही नहीं करती बल्कि डेटा नष्ट होने पर वापिस भी पा सकती है। पर कंप्यूटर का मस्तिष्क गाने लिखना या बॉस्को को परेशान करने के नए तरीके ढूंढना ऐसे सृजनशील काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ डेटा संग्रहित कर सकता है और उसी को बार बार इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, ये बात तो सही है। अब मुझे उस बिल्ली को तंग करने का कोई नया तरीका ढूंढना है।
धन्यवाद पीरी, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैं